वेलकम बैक टू माई चैनल। हेलो सत श्रीकाल, आई एम डॉक्टर मनदीप कौर पन्नू। थैंक यू सो मच, तुसी मैनू इन्ना प्यार दे रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो मेरा चैनल, लाइक कर रहे हो, शेयर करो। जिन्हें नवे ने सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच, जिन्होंने किया हुआ उन्हों का तो मेरे दिलों शुक्रिया अदा है, और जिन्होंने नहीं किया वह कर लड़, क्योंकि अगे मैं ऑस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड ते अगे अगे नवे टॉपिक्स भी तैयार कर रही है, क्योंकि मेरे चैनल शुरू हुए भी थोड़े दिन ही हुए, तो हूँ मेरा एक स्टडी करके हटी है मैं उस दे वास्ते, थोड़े वास्ते स्पेशल ऑस्ट्रेलिया दी आज मैं वीडियो बनाई है, जो हैगा ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा अंडर न्यू रूल्स। ये बारे मैं पूरी स्टडी करी, फिर मैं क्या थोड़े वास्ते नवी ऑडियो बनावा, जिदे नाल मेरे जिन्हें भी श्रोता उन्होंने अवेयरनेस होए और कोशिश करें वो खुद अपना वीज़ा लाण, तो उन्होंने नॉलेज हो। हुण जिवें कि नवे रूल दे अकॉर्डिंग असैसमेंट ले इंडिया जिहड़ा हैगा असैसमेंट लेवल 2 दे अंडर आ चुक्या हैगा, हुण जिहदे विच स्टूडेंट वीज़ा सबस क्लास 500 हैगा, जिहदे विच हुण काफ़ी रूल आसान हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया वास्ते, तो काफ़ी मार्केट में फैल रहा है कि तू आइलेट्स बिना जा सकते हैं, साढ़े पाँच बैंड भी जा सकते हैं, यह जहा कुछ नहीं है वो वास्ते कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटियाँ है। हूँ जिमें जिस 95% आता है, जिस 85% अवव आते, यानी कि 90% अवव आ रहे हैं फ्रॉम CBSE ICSE बोर्ड से, जिस बच्चे दे 85 ते अवव आ रहे हैं, यानी कि सोच लो तुसी उस बच्चे दे 90 या 95% है, उस बच्चे वास्ते तो कुछ केसिस विच आइलेट्स नहीं अलाउड है, पर वीज़ा ऑफिसर स्टूडेंट डिमांड कर सकता है कि तुसी मैनू आइलेट प्रोवाइड करो, तो बच्चे की जिहड़ी इंटरव्यू है वह फोन टेलीफोन ते हो सकती है, ये स्काइपी ते हो सकती हैगी है, तो वीज़ा ऑफिसर वो कोल आइलेट्स डिमांड कर सकता है। अगर बच्चा अच्छे बैंड लिया है 6-7 तो वेल एंड गुड है, वो कल PR वास्ते भी बड़े चंगे चांसिस है, पर 5.5 वास्ते भी मार्केट में फैल रहा है कि कर सकते हैं, पर मैं कहती हूँ तुम बैंड ही वधिया लिया कि तुहानू कोई इन्नी टेंशन लेने की लोड़ ही नहीं, क्योंकि इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैगी। और जिदे विच आया वा फंड कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर भी ये सेम ही हैगा, वीज़ा ऑफिसर जिहड़ा हैगा वो फंड की डिमांड थोड़े को कर सकता है, इस करके अपने फंड भी थोनू शो करने पेंगे जेड़ा थोड़े रिक्वायर हैगा, जिस स्टडी दे अकॉर्डिंग तुसी जा रहे हो, तो फंड थोनू रिक्वायरमेंट हैगे, ये नहीं कि नो फंड बिना आइलेट्स तुसी जा सकते हो। देखो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, इन्ना याद रखो, आइलेट्स OAT PAT आइलेट्स ये सारे रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, उन्होंने साड़ी इंग्लिश तो इन्ना भरोसा नहीं है, सानू इंग्लिश आती है, और साढ़े पंजाबियों विच की हुंदा है, आपां थोड़े इंग्लिश तो डरते हैं, बुरा ना मनायो पर इंग्लिश कोई हवा नहीं है, अगर तुसी इहदे नाल दोस्ती कर लो तुहानू ईजीली इंग्लिश आ सकती हैगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हैगी थोनू। हूँ मैं ट्रैक तो उतर रही हूँ, मैं थोनू एडमिशन वाल ले चलती हाँ, आपां अपने ऑडियो ते आंदे, जिस बच्चे ने प्लस टू की भी हैगी 17-2018 तो वह भी अप्लाई कर सकते हैं, प्लस टू बिफोर द 17-2018 कैन बी अप्लाई वर्क एक्सपीरियंस, अकाउंट विच अपनी सैलरी शो करनी है और वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये ना हो कि थोड़ी अकाउंट विच सैलरी शो ना हो और तुसी अपने स्टडी वीज़ा वास्ते कर दो, वो मनिया नहीं जाएगा। 3-4 साल का गैप ऑस्ट्रेलिया नहीं ले रहे, 3 या 4 साल का गैप ऑस्ट्रेलिया एक्सपेक्ट नहीं है, वो ले ही नहीं रहा है जो स्टूडेंट, अगर थोड़े 65% से अबव है फ्रॉम पंजाब बोर्ड से तुसी एलिजिबल हो, तो अगर तुसी एडमिशन वास्ते जाना हैगा तो उदे वास्ते जिवें हैगा डिप्लोमा एडवांस प्लस बैचलर हैगी है, तो जीटी थोड़ा हैगा वो बैकग्राउंड थोड़ा क्लीयर होना चाहिए, मैच करना चाहिए हैगा। हूँ जिवें कोई बच्चा जाता हैगा 5.5 बैंड से ओवर हाल 5.5 बैंड से, उन्होंने एडवांस डिप्लोमा विच दी जाएगी, GT वह मैच किया जाएगा कि उसके GT ते बैकग्राउंड का मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, और ओवर हाल वो 5 है वह भी कर सकता है, जिदे 6 ते ज़्यादा है वो मास्टर डिग्री वास्ते जा सकता है, और जिसके ओवर हाल एडवांस 6 ते ज़्यादा है वह मास्टर डिग्री वास्ते भी जा सकता है। हूँ जिदे 6 ओवर हाल है और 5.5 किसी विच है तो वह एली कोर्स में जाएगी, यानी कि इंग्लिश
ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ 10 ਵੀਕ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬੈਚੁਲਰ ਪਰਸੂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰੂਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੰਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਕਾਈਪੀ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਏਗੀ, ਅਤੇ ਕੋਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈ, ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਓ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ PR ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਵਧਾਓ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਊਆ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਕੋਲੇਜ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 5.5 ਤੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਹੈ 5.5 ਹੈ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੋਲੇਜ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਫੋਨ ਜਾਂ ਸਕਾਈਪੀ 'ਤੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਟੱਡੀ ਰੂਲ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੱਡੀ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ PR ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਮ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।